मीनाक्षी नटराजन एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जो लोकसभा सांसद रह चुकी हैं। बचपन का तो मैं इतना ही कह सकती हूँ कि जैसा कि एक सेमी संयुक्त परिवार में होता है कि बहुत सारी यादें जो बचपन की होती हैं वो साथ में अपने साथ पले बड़े चाचा काका मामा के बच्चों के साथ जो एक ननिहाल और एक संयुक्त साथ में बिताई गई छुट्टियों की यादें होती हैं और उसमें सुनी गई कहानियां होती हैं, तो वो यादें हैं। तो अहिंसा को हम ऐसे समझते थे कि हमारे घर में नानी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि हम लोग सभी बच्चे ऐसे ही होते हैं कि चीटियां चलती हैं तो मारना अच्छा लगता है, तो उस पर उनका ध्यान होता था कि किसी को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है। और वो हमारे लिए उस वक्त बहुत ही मतलब मजेदार बात होती थी कि अच्छा इसका भी कुछ है क्या, मतलब ऐसी सोच होती थी, लेकिन वो बहुत उसको लेकर पर्टिकुलर थी। तो ये तो सच बात है कि गांधी जी को पढ़ने और गांधी और नेहरू को पढ़कर ही मैं कांग्रेस में आई, इसमें कोई मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है। अब उनके उनके जीवन को जीने की कोशिश करना या उनके राह पर चलना बहुत कठिन है, और मैं हमेशा ये बात कहती भी हूँ कि गांधी का कोई वाद तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो सत्य का अन्वेषण करते हैं उनका कभी कोई वाद संभव नहीं है। गांधी का केवल मार्ग हो सकता है, क्योंकि जो लोग सत्य का ईमानदारी से शोधन करते हैं वो कोई बात बना ही नहीं सकते, क्योंकि रोज वो अपने आप को निगेट करते हैं, रोज कुछ नया उनके सामने तथ्य समझ में आता है, रोज वो सच्चाई के करीब जाते हैं, और वो जो रास्ता है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, लंबा होता है, और वो कई बार आपकी पुरानी धारणाओं को बिल्कुल गलत बताता है, आईना दिखाता है रोज। तो मैंने हिंसा अहिंसा को तो जाहिर है कि उसकी बहुत समझ किताबी थी और उनको पढ़कर ही वो समझ पहले बार बनी। और हम ये उस वक्त भी देखते थे कि अपने आसपास जो हम केवल सार्वजनिक जीवन में नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में ये कहीं ना कहीं बात आ गई थी कि मतलब हिंसा सबको बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि मुझे याद है कि वो चाहे वो पिक्चर सीता गीता हो या चालबाज हो, उसमें वो जब वो यू नो जब वो श्रीदेवी जो सीधी वाली होती है वो पिटती है और उसके बाद वो जो दूसरी आती है तो उसके आने पर स्क्रीन में उसके पहुंचते ही सबके चेहरे खिल जाते हैं, और तो हमें वो हमें वो अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कह सकते कि वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन अहिंसा की जो एक बारीक समझ तैयार हुई वो बहुत बाद में तैयार हुई, और वो आदिवासी समुदाय के साथ कुछ काम करने की कोशिश करने समय उन काम तो कुछ ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन उनके जीवन को नजदीक से जानने समझने की जो कोशिश हुई उस दौरान वो समझ तैयार हुई, और उस दौरान ये समझ में आया कि वो क्या चीजें हैं जो हिंसा और अहिंसा के बीच खड़ी हैं, और ये भी समझ में आया कि वो अंतर बहुत महीन है, और वारदात अपने आप में हिंसात्मक या अहिंसात्मक होती है, लेकिन उससे बहुत पहले हिंसा जन्म लेती है। जब हम अपने बहुत सारे जो हमारे हमारी चाहत है या हमारी जो जिद है उसमें जब फंसते हैं तो उसकी शुरुआत हो जाती है, और मैं उसको उसी रूप में देखती हूँ। राजनीति ही वो एकमात्र तरीका है जो अहिंसात्मक तरीके से बदलाव का माध्यम बनती है, और ऑफ कोर्स बदलाव की शुरुआत स्वयं से होती है, लेकिन अगर हम इसको केवल, और ये केवल आध्यात्मिक स्टेटमेंट नहीं है कि हम ये कहें कि हम खुद में ही सबको और सब में खुद को देखते हैं,
क्योंकि एक्चुअली हम ऐसे ही हैं, कहीं कुछ कुछ अलग नहीं है। और अगर हम किसी किसी भी परिस्थिति को, किसी भी परिदृश्य को या अपने आसपास को अपने से अलग देखते हैं, तो सबसे पहले तो वही हिंसा है। क्योंकि वो जो एक वो जो भाव है कि वो दूसरे हैं, वही भाव आपके भीतर फिर वो कई तरह की कुंठाएं, कई तरह की असुरक्षा और कई तरह की चाहत को पैदा करते हैं। तो करते करते 2013 से मैंने राजीव गांधी पंचायती राज संगठन, जो कि कांग्रेस का ही पंचायतों को लेकर काम करने का एक मोर्चा है, उसमें काम करना शुरू किया। तो जब हमने ये काम शुरू किया था, तब इसके पूरे पोटेंशियल को समझा नहीं था, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में एक थोड़ी सी ये समझ बनी कि राजनीतिक संगठनों का जो काम है वो राष्ट्र निर्माण है। राष्ट्र का निर्माण सरकारों के भरोसे, राज्यों के भरोसे नहीं हो सकता। राष्ट्र यानी लोग और प्रकृति और उनका अंतर संबंध, और इसमें जब तक लोगों की सहभागिता नहीं होती, उनके हाथों से उसका निर्माण नहीं होता, तब तक राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। तो आज जो हम देखते हैं वो दो तरह का द्वंद्व देख रहे हैं। एक तरफ वो वर्ग है जो ये मानता है कि और इसको अगर मैं इस तरह से देखूं कि अगर हम अपने उपनिषदों से इसकी धारा को देखें, तो एक तरफ उपनिषद कहते हैं कि वो ईशावास्यम इदम सर्वम की बात करते हैं, यानी कि कण कण में ईश्वर है, तो कुछ भी श्रेष्ठ या हीन नहीं। और अगर इस्लाम में इसी को कहें तो इस्लाम में भी कहते हैं कि जर्रा जर्रा रोशन है उसके नूर से, तो उसमें भी कहीं कोई भी एक श्रेष्ठ और दूसरा हीन नहीं है। तो अगर इससे शुरू करें तो राष्ट्र मतलब लोग, प्रकृति और उनका अंतर संबंध, तो यहाँ कोई श्रेष्ठ और हीन नहीं। और दूसरी तरफ वो व्यवस्था रही है जो हजारों साल से इसके खिलाफ खड़ी है, जो सबसे पहले तो ये कहती है कि मानव की योनि श्रेष्ठ है। और जैसे ही आप ये कह देते हो कि मानव की योनि श्रेष्ठ है, तो एक तो मानव को ये ब्लैंक चेक मिल जाता है कि वो अपनी प्रकृति को तहस नहस करे, वो चाहे जैसा व्यवहार अपने इर्द गिर्द के साथ करे। और फिर जैसे ही ये श्रेष्ठता की बात आती है, तो ये भी आ जाता है अपने आप में ही कि मानवों में भी फिर कुछ मानव श्रेष्ठ हैं, और उसी ने हमारे पूरे व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को, जिसको कि काफी लोग मनुवादी व्यवस्था भी कहते हैं, और जो है भी उसको एक ढांचा प्रदान किया। तो ये जो नियंत्रणवादी व्यवस्था है, उसके लिए राष्ट्र एक संसाधन है, और हमारे लिए राष्ट्र यानी लोग, प्रकृति और उनका अंतर संबंध, और राष्ट्र का निर्माण हमारा काम है। और राष्ट्र का निर्माण का मतलब है कि लोकमानस को तैयार करते रहना। तो नियंत्रणवादी व्यवस्था ने तो भेद और वायलेंस और संसाधन के रूप में एक छोटे वर्ग को साधन संपन्न बनाने के लिए एक निर्माण किया है, और उनकी वही राजनीति। उसके ऑपोजिशन में जो सर्वोदय पक्ष है, उसने अपने निर्माण के काम में कहीं ना कहीं सरकारों में रहते हुए नीतिगत निर्णय बहुत सारे किए होंगे, लेकिन राजनीतिक संगठनों के जरिए सर्वोदय पक्ष के लिए जो खेत तैयार करने की बात होती है, वो उसको, जिसको मैं राष्ट्र निर्माण कह रही हूँ, तो वो नहीं किया है बहुत सालों से।